तेरी बेवफाई ने ऐसा मुझे मारा, उम्र निकल गई, अभी तक जॉब न मिल पाया। दोस्तों, जॉब लेने के लिए सारी खुदाई एक तरफ और मेहनत एक तरफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए, जो भी आप तैयारी करते हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे। तो चलिए एक नए कॉन्सेप्ट और नए एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद, सिखाने के बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा। दोस्तों, आप जब सीखेंगे कॉन्सेप्ट तभी उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है 1, 2, 3, ...19, 20, ठीक है, 20 तक गया है, और फिर घटते क्रम में देखिए 20, 18, ...3, 2, 1। आपको ये सबको जोड़ना है और बताना है दोस्तों। अगर ये आप फॉर्मूला भी बनाते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा अच्छा खासा टाइम लगता है। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको आप अगर नहीं जानते होंगे तो शॉक हो जाइएगा कि ऐसा भी होता है क्या। ये देखिए, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 1 से लेकर के गया है कहां तक, 19 से लेकर के 20 तक, और फिर इधर से देखिए 1, 2, 3, ...19, 20 तक ही आया है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, जो बीच वाला है उसको वर्क कर दीजिए। दोस्तों, आंसर आ गया, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका उत्तर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहां तक जाएगा और उसके बाद रिवर्स होगा, बीच वाला को वर्क कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों 1, 2, 3, ...... आपको चला गया मान लीजिए 17 तक, ठीक है, और 17 के बाद फिर घटते क्रम में 16, इधर भी 16 हुआ, ठीक है, इस तरह से, और 2+1 आ गया इस तरह से। तो क्या करना है दोस्तों, 17 को स्क्वायर कर दीजिए, 17 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आपका होमवर्क प्रश्न। तो ये है आपका होमवर्क प्रश्न, आप फटाफट आंसर दीजिए। 1, 2, 3, ...99, 100 तक गया है, और फिर 99 और घटते क्रम में 1 तक आ गया है। तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत बताइए। दोस्तों, बहुत सारे तरीका आपने देखा भी होगा और जानते भी होंगे, बट आपको काफी शॉर्ट तरीका बतलाते हैं। देखिए, साधारण ब्याज के केस में अगर जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है, ठीक है, तो या तो आपको ये 10% देगा, या तो हो सकता है कि रेट ही दे दे आपको तो टाइम पूछ देगा, ठीक है, या तो आपको आर पूछेगा या तो आपको टाइम पूछेगा। दोस्तों, दोनों में से कोई भी पूछेगा, आपको दोस्तों एक ही काम करना है, आप काफी समय बचा सकते हैं। ये जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना करता है उसमें से आप एक कम कर दीजिए, ठीक है, तो 3 गुना है, एक कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आपको 100 से गुना करना है, ठीक है, बोलना है 100, ठीक है, 2 1 कम करके बोलना है 100, तो हो गया, एक कम करेंगे तो 2 होगा, 200, ठीक है। अब ये जो आपका होता है, ये होता है ब्याज, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अब इसमें जो आएगा आप रेट से भाग दीजिएगा, ठीक है, रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम आ जाएगा, और अगर आप इसमें अगर टाइम से भाग देंगे तो रेट आ जाएगा, दोनों में एक ही सिचुएशन होगा, ठीक है, टी देगा तो आपको आर पूछेगा, और आर देगा तो टी पूछेगा। तो फिलहाल दोस्तों आंसर क्या हो गया, 200 बटा में आपको 10 हो गया आपका कितना, 20, ठीक है, 20% आपको आंसर। आपको दोस्तों सोचना भी नहीं है कि क्या निकालना है, बस एक कम करना है और इसमें आपको भाग दे देना है, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मान लीजिए इसी प्रश्न में दे देगा कि कोई धनराशि, ठीक है, 15% के दर से, 15% के दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 4 गुना है, एक कम कर दीजिए 300, 15 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ गया 15 दूनी, ठीक है, तो 20 इसका भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, देख लीजिए, हम हर क्वेश्चन के बाद होमवर्क देने के लिए आपको बताए थे। तो कोई धनराशि 8 वर्षों में मूलधन का 5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत बताएं, फटाफट आंसर कर देना है आपको। ये है 40%, 50%, आपको 20% और नॉन ऑफ दीज।
अगर आपका उत्तर इन तीनों में से आता है तो ठीक है, ए बी सी आप मैसेज कर दीजिए, अगर कोई नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है 3 sin θ + 4 cos θ का न्यूनतम मान बताइए। दोस्तों इसमें आपको दो तरीके से आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, काफी जल्दी में बना दीजिएगा, या तो पावर 1 होता है या यहाँ पे स्क्वायर रहता है। ठीक है, फिलहाल आपका पावर 1 हो, अगर पावर 1 हो और साइन कॉस हो तो आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और ध्यान से देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ए स्क्वायर है जो कोफिशियंट ऑफ आपका साइन, ठीक है, और बी जो है आपका कोफिशियंट ऑफ कॉस। ठीक है, अब मैक्सिमम पूछेगा तो प्लस लीजिएगा, मिनिमम पूछेगा तो माइनस लीजिएगा, तो फिलहाल आपका क्वेश्चन हो जाएगा माइनस हो जाएगा रूट अंडर, क्योंकि क्या पूछा है दोस्तों, मिनिमम, न्यूनतम मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपको हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ माइनस क्यों लिए है, न्यूनतम में माइनस लेना है और अधिकतम बोलता तो प्लस लेते, तो माइनस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको आ जाएगा कितना, -5। ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 cos θ + 3 sin θ का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या करते, प्लस लेते, 2 का स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर करते, ठीक है, 9 और ये 4 हो गया 13, 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो प्लस में आपका हो जाएगा, ये अधिकतम मान इसका हो जाएगा आपको इतना। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर दीजिए और कमेंट कीजिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, √5 cos θ + 2 sin θ का मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप फिर से आपको देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की देखिए यहाँ पे छूट गया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये आपका त्रिज्या जो होता है रेडियस है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√3 cm है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, अब अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है दोस्तों वो जान लीजिए आप पहले। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अब अगर इसके अंदर आप एक सर्कल खींच दीजिएगा, स्केच कर दीजिए, ये आपको कहलाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कल होता है इंटरनल सर्कल, तो इसी को बोलते हैं अंदर वाले वृत्त का इनर जो पार्ट है उसका त्रिज्या को आपको आर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए त्रिभुज के अगर बाहर खींच देते ये सर्कल तो यह जाता आउटर हो जाता, ठीक है, इसको बोलते हैं आपको बड़ा वाला आर। ठीक है, फिलहाल आपका ये पूछा है कि अंत इस त्रिभुज की आपको क्षेत्रफल बताना है, मतलब समबाहु त्रिभुज का। दोस्तों आप याद रखिएगा, अंत अंदर अगर वृत्त स्केच करेगा अंदर तो इसका त्रिज्या होता है ए बटा में 2√3, जहां ए जो होता है त्रिभुज की भुजा, ए बराबर दोस्तों नोट करते चलिए आप कॉपी में, ए जो होता है आपका ये आपको भुजा होता है त्रिभुज का। ठीक है, और बड़ा वाला आर होता है दोस्तों, दोनों बता देते हैं आपको, क्योंकि जरूरी नहीं दोस्तों कि यही क्वेश्चन आएगा आपको, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो बाहर अगर वृत्त बनेगा तो बाह्य वृत्त का आपको त्रिज्या ये होता है दोस्तों ए बटा √3। दोस्तों आप भले ही आप मेंसुरेशन पढ़े हो या ना पढ़े हो, बट जितना पढ़ा रहे दोस्तों ये आप नोट करते चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें नंबर आपको जरूर बढ़ेगा और बहुत फायदा करेगा दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि इस अंदर वाला है तो अंदर ही त्रिभुज का जो होगा वो उसका त्रिज्या होगा, तो आर बराबर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, दिया हुआ है आपको है 2√3 और आर बराबर हम लोग जानते हैं ए बटा में 2√3, तो ए बटा में 2√3 इसके जगह पे रख दिए और इसका वैल्यू गिवेन है आपको 2√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2√3 × 2√3, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये दोनों,
रूट से रूट खत्म होता है और 224 हो गया आपको, रूट से रूट खत्म 3 हो गया आपको, 12 सेंटीमीटर आ गया ये त्रिभुज की भुजा। और हमको पता है कि त्रिभुज की भुजा जब पता होता है तो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 2 बार गुना भुजा का 12 × 12, ठीक है 12 × 12 ये 3 हो गया दोस्तों, तो 12 + 36 हो गया, ठीक है √3 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर आपको और अच्छे समझना है आप बैक करके स्क्रीन शॉट लेकर के आप फॉर्मूला भी नोट करते चलिए, ठीक है। आपका एक होमवर्क है जो अभी पढ़ाए उसी पर आपका ये दिया हुआ है, तो आप फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए और सॉल्व करके हमारे कमेंट में आंसर दे दीजिए, आपका आंसर हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका ये देखिए, एज प्रॉब्लम क्वेश्चन है आयु संबंधित। यदि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों अगर आपको उम्र वाला प्रश्न से आपको डर लगता है एज वाला से, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप देखिए वर्तमान, अभी आप 1 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 दिया है और 10 वर्ष जो है बाद है, ठीक है, ये 10 वर्ष बाद कितना दिया है दोस्तों आपका, ये रेशियो दिया है आपको कि 5:6 हो जाता है। दोस्तों आप सोचिए कि 10 वर्ष बाद हुआ है तो रेशियो रियल में था पहले आपका 3, ठीक है, और 3 से आपको 5 हो गया दोस्तों, 2 वर्ष बढ़ गया, और ये 4 से आपका 6 हो गया, यहाँ भी आपको कितना बढ़ गया दोस्तों, 2 वर्ष बढ़ गया। सोचिए कि रेशियो में आपको बढ़ा है दोस्तों 2 वर्ष और आपको उम्र में बढ़ा है 10 वर्ष, तो आप कह सकते हैं कि 2 जो रेशियो है इक्विवेलेंट होगा आपको 10 के। हमेशा रेशियो मेथड से बनाइएगा, काफी जल्दी भी बनेगा और आसान भी होता है समझना भी। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा काट दीजिए, अनुपात 1 का मान आ गया आपका 5। दोस्तों अगर वर्तमान उम्र पूछेगा तो वर्तमान में मल्टीप्लाई कीजिएगा और बाद वाला पूछेगा तो बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा। बताइए ए की वर्तमान उम्र कितना है, तो ए की वर्तमान आयु है आपका, देख लीजिए वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, आप ऊपर देखिए ध्यान से, अनुपात 3 है तो 3 गुना कर दीजिए 5, तो हो गया दोस्तों 15 वर्ष, जो की ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दोस्तों 5 आया था 1 का मान, ठीक है, और 1 का मान 5 है तो 3 का मान 15, ये आपको आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आप रहेंगे तो बिना आपको पेन चलाए दोस्तों यहीं से देखिए 4 × 2 = 6 हुआ, 2 वर्ष बढ़ा तो 2 बराबर आप 10 मनमन ही कर दीजिए, और ये 5 × 1 = 5 तो 3 = 15, 5 सेकंड में आप बना देंगे दोस्तों। तो चलिए इसका होमवर्क प्रश्न लिख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है ये, ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 18 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु आपको बताना है दोस्तों। अगर आप समझ गए हैं तो इसको भी आप 5 सेकंड में अभी ही आप बना दीजिएगा, आपका आंसर का इंतजार रहेगा दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है आपका कि ए एवं बी किसी कार्य को 750 रुपया में करने का ठेका लेता है, यदि ए उस कार्य को अकेले 15 दिन में समाप्त कर सकता है लेकिन 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य को बी 12 दिन में समाप्त करता है, तो बी का हिस्सा बताएं। दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन काफी लेंदी है, बट इसको आप बिना ट्रिक का कंसेप्ट वाइज 10 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि बी तो ए तो आपको काम 15 दिन में कर देता है लेकिन ये केवल 5 दिन ही करता है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए कि 5 दिन में काम करेगा ए तो कितना करेगा दोस्तों, 5 भाग करेगा टोटल इसका है आपका डे 15, तो हो जाएगा दोस्तों 1/3। अब दोस्तों टोटल आपका 3 यूनिट, ठीक है, नीचे आपका जो ये होता है टोटल वर्क को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों सोचिए ये जो ए जो है अकेले 1 काम किया है 5 दिन में, ठीक है, ये 1/3 मतलब 1 काम किया है, तो
तो दोस्तों शेष काम कितना बचा, 2/3 आपका कार्य जो है वो बच गया। और यही 2/3 काम जो है बी आपको करता है दोस्तों कितना दिन में, ये देखिए 12 दिनों में करता है। दोस्तों ये कितना दिन में करता है आपको उससे मतलब नहीं है दोस्तों, आप देखिए ये काम कौन करेगा दोस्तों, यह काम जो है बी करेगा दोस्तों, यह काम कौन करेगा, बी करेगा दोस्तों। और पैसा निकालने के बाद जब भी होगा, मजदूरी निकालने के बाद होगा, तो दोस्तों पार्ट चाहिए कि कितना भाग वो काम किया है दोस्तों। तो सोचिए जब ए काम किया है 1/3 भाग, तो शेष जो आर जो है रेस्ट पार्ट है वो बी करेगा, घटा दीजिए ऊपर नीचे को, ठीक है। टोटल 3 में से एक काम कर लिया ए, तो शेष कितना बचा, घटा दिए तो 2/3 बचा। तो दोस्तों जब बी किया 2/3 भाग, तो दोस्तों बी का हिस्सा भी कितना होगा, 2/3 भाग ही होगा दोस्तों। कितना पैसा था, तो 750 था। अभी काट दीजिए दोस्तों, ये आपको 25 दिया आपको 75, ये आपको कट गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया आपको 250, और 250 और 2 से गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 500। तो बी का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 750 रुपया में 500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में निकालने के लिए ये 12 से कोई मतलब नहीं था दोस्तों, उसके डेढ़ से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि वह कितना काम किया दोस्तों। ये जब ए अकेला किया था 5 दिन में, ए अकेला किया था 5/15, तो हो गया 1/3, ठीक है, कट गया। तो शेष काम कौन करेगा, बी, और शेष काम घटा दीजिए 2/3, दोनों को घटा के ऊपर लिखा जाता है, 2/3 ये बी करेगा। तो जो जितना भाग काम करेगा दोस्तों उतना ही मजदूरी लेगा, तो 2/3 भाग किया है तो 2/3 निकाल दिए, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है लेकिन 5 दिन करने के बाद कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को भी 15 दिनों में समाप्त करता है, यदि कुल कार्य के बदले 1500 रुपया मिला हो, तब इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट आप सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपका आंसर आता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, ज्यादा बराबर आपको वीडियो नहीं बनाना है और ज्यादा कंसेप्ट नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके वो बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।